नमस्कार, मिश्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, वो आखिरी के 15 मिनट। जी हां, इसी वक्त में प्रद्युम्न एक ऐसे दर्द से गुजरा था जिसकी तस्वीर अब सामने आ गई है, और सामने आ रहा है एक ऐसा दर्द जो किसी को भी रुला देगा कि एक मासूम के साथ आखिर क्या क्या हुआ था, किस तरह एक बेरहम कातिल ने उसे मौत की नींद सुला दिया था। प्रद्युम्न की हत्या को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रद्युम्न की हत्या को लेकर लोगों में नाराजगी है। अब इस मामले में कैसा खुलासा हुआ है जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किसी की भी आंखों में उस मासूम के दर्द को सुनकर आंसू आ जाएंगे। सीसीटीवी के फुटेज में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो दर्द की इंतहा बयां कर रहा है। ये काम किया है तो क्यों किया है सब? मैं बस उसे यही पूछूंगी कि तुम भाई क्यों किया? उसको एक थप्पड़ लगाता, दो थप्पड़ लगाता, उसका जान 7 साल का बच्चे का क्यों ले लिया भाई? एक दर्द की इंतहा, उस दर्द को शब्दों में बता पाना भी मुश्किल है। उस दर्द की कल्पना करते ही एक सिहरन से दौड़ जाती है। किस तरह कातिल ने एक मासूम की गर्दन पर चाकू चलाया होगा, कितना दर्द हुआ होगा मासूम को, क्या उस दर्द को कोई महसूस कर सकता है, क्या एक बार भी कातिल के हाथ कांपे नहीं होंगे, वो जो करने जा रहा है उसका नतीजा क्या होगा, क्या उसने एक बार भी सोचा नहीं होगा। गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में 8 सितंबर की सुबह कक्षा 2 के छात्र प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस हत्या का इल्जाम बस कंडक्टर अशोक पर है और पुलिस के पास उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी है। लेकिन अब इस हत्याकांड में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो उस मासूम के दर्द को बयान करता है कि जिंदगी को बचाने के लिए प्रद्युम्न ने कितना संघर्ष किया था। प्रद्युम्न मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी ने रियान इंटरनेशनल स्कूल में लगे सीसीटीवी के फुटेज कब्जे में लेकर उसकी जांच की। अभी सीसीटीवी के फुटेज तो सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस के सूत्रों के मुताबिक टॉयलेट के बाहर लगे कैमरे में उस मासूम की मौत का मंजर कैद है। फुटेज में खून से सना मासूम प्रद्युम्न टॉयलेट के बाहर फर्श पर रेंगते हुए दिख रहा है। अपनी जान बचाने के लिए प्रद्युम्न ने काफी कोशिश की थी। रियान इंटरनेशनल स्कूल के सभी कैमरों की फुटेज को पुलिस ने जांच के लिए कब्जे में ले लिया था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक रियान इंटरनेशनल स्कूल की वो बस शुक्रवार की सुबह 7:40 पर स्कूल पहुंच गई थी, जिसमें कंडक्टर अशोक कुमार मौजूद था। जब सभी बच्चे बस से उतरकर अपनी अपनी क्लास में चले गए तो ड्राइवर परिसर के अंदर बस को पार करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक उसी वक्त कंडक्टर अशोक स्कूल के मेन गेट से अंदर दाखिल होता है और सीधे उस टॉयलेट की तरफ बढ़ जाता है जहां 7 साल के मासूम प्रद्युम्न का कत्ल किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक सुबह 7:55 पर प्रद्युम्न स्कूल आता है। उसके पिता वरुण उसे और उसकी बहन को स्कूल के मेन गेट पर छोड़कर जाते हैं। प्रद्युम्न की बहन अपनी क्लास में चली जाती है जबकि प्रद्युम्न वॉशरूम में जाता है। टॉयलेट के पास लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि कंडक्टर अशोक और प्रद्युम्न एक के बाद एक करके टॉयलेट में दाखिल होते हैं। 7:55 और 8:10 के बीच अशोक को बाथरूम से बाहर आते देखा जा सकता है। इस दौरान फुटेज में गौर करने वाली बात यह है कि 7:55 से 8:10 के बीच कोई तीसरा शख्स टॉयलेट में जाता हुआ नहीं दिखता। टॉयलेट से अशोक के बाहर जाने के कुछ देर बाद ही प्रद्युम्न एक हाथ से अपने गले को पकड़कर बाहर की तरफ रेंगता हुआ दिखाई पड़ता है। फुटेज के मुताबिक इसके बाद वहां पहुंचने वाला पहला शख्स स्कूल का माली होता है, जो टॉयलेट के बाहर फर्श पर पड़े खून से सने बच्चे को देखकर शोर मचाता है। उसकी आवाज सुनकर पास की कक्षाओं से कुछ टीचर निकलकर बाहर आती हैं और खून से सने प्रद्युम्न के आसपास जमा हो जाती हैं। इस हंगामे के बीच कंडक्टर अशोक दोबारा फुटेज में दिखाई देने लगता है। कंडक्टर प्रद्युम्न को उठाते हुए दिखता है और फिर से वो उसे एक टीचर की कार में डालते हुए दिखाई देता है। उसके बाद मासूम प्रद्युम्न को टीचर की कार से पास के एक अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और प्रद्युम्न जिंदगी की जंग हार चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। वो छोटे से ब्रेक आया, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे प्रद्युम्न की हत्या जब करने की कोशिश की गई थी उसके बाद का एक वीडियो भी सामने आया है।
इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से प्रद्युम्न को अस्पताल पहुंचाया गया।